अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं रुसकर्ज में आप सबको वेलकम। आज जो है मैं हलाल गाइस इंस्टेंट वाला बना रही हूँ, क्योंकि हलाल गाइस में मेनली यूज़ किया जाता है चिकन मैरिनेट किया हुआ, फिर उसको फ्राई किया जाता है। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था और रात का टाइम था, तो मुझे जल्दी जल्दी में कुछ बनाना था और सबको भूख भी लगी हुई थी। तो मैं हमेशा जो है ना केनन्स की ये टेंडर पॉप्स लेके आती हूँ। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले मैंने ये ट्राई किए थे, तो इनका टेस्ट मुझे बिल्कुल केएफसी के टेंडर पॉप्स जैसा लगा था, तो इसलिए अब मैं इनको मतलब फ्रिक्वेंटली लेके आती हूँ। तो इनसे काफ़ी काम आसान हो जाता है और जो है ना काफ़ी क्रिस्पी और जूसी बनते हैं। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको फ्राई कर रही हूँ और ये तकरीबन फ्राई हो ही चुके हैं। इनको आप फुल्ली ज़्यादा देर तक पकाएंगे ना तो ये जो है हार्ड हो जाते हैं। पर क्या होता है कि आप जब इनको एक अच्छी हीट पर इनको फ्राई करते हैं तो ये काफ़ी जूसी और क्रिस्पी बनते हैं, हार्ड नहीं होते। इवन के ठंडे हो जाने के बाद भी काफ़ी जूसी रहते हैं ये। तो यहाँ पे एक तरफ जो है मेरे पास ये चिकन टेंडर पॉप जो है फ्राई हो रहे थे, दूसरी तरफ मैं चावल की डिश बना रही थी, क्योंकि हलाल गाइस में चावल होता है। और इसके लिए मैंने इसमें ऑयल डाला। ऑयल के बाद जो है मैं इसमें कटी हुई चॉप गार्लिक डाल दूँगी, थोड़ा सा उसको मिक्स करूँगी, सौते करूँगी, और फिर उसके अंदर जो है मैं पानी शामिल कर दूँगी। पानी मैं उतना ही शामिल करूँगी जितने मैंने मतलब जो चावल बनाने का जो एक बेसिक तरीका होता है उसी तरीके के हिसाब से मैं पानी डालूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 ग्लास चावल लिए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ। ये हल्का सा सौते करके इसको जलाना नहीं है, इसमें आपने पानी डाल देना है गार्लिक में, उससे एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है। अच्छा, पानी डालने के बाद जो है बॉइलिंग से पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1 टीस्पून टर्मरिक हल्दी पाउडर और 3 लौंग और 2 इलायची, ये डाल दी। अच्छा, हलाल गाइस में 2 किस्म की सॉसेज इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे मैं पहले रेड सॉस बना रही हूँ। रेड सॉस के लिए मैं टमाटर लूँगी जो कि मैंने चॉप काट लिए हैं एक जूसर में, और टमाटर के बाद ग्रीन चिलीज, स्पाइसी होती है ये, ऑरेंज जूस, ये थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस था वो डाला है मैंने, और ये पेपरिका पाउडर है। और इसमें कोई पानी कुछ नहीं डालना, थोड़ा थिक सालसा जैसा सॉस इसका बनेगा और ये काफ़ी स्पाइसी और टेंगी होता है। तो ये एक रेड सॉस तैयार होगा उसका ब्लेंडर में। इसको फाइनली आपने ना बिल्कुल केचप जैसी वो हो जाती है इसकी सूरत हाल, तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है। अच्छा, वो जो मैंने लेमन जूस सॉस में डाले थी तो उसका जो लेमन बच गया था जूस निकालने के बाद, वो मैंने पानी में डाल दिया था। उससे क्या होता है कि चावल जो है वो थोड़े खिले खिले बनते हैं। यहाँ पे मैं अब चावल इसको डाल रही हूँ हल्का सा मिक्स करके, और फिर बिल्कुल बेसिक तरीके से जैसे आप ज़ीरा राइस बनाते हैं दाल चावल के साथ, या बेसिक जो घर में राइस बनते हैं बिल्कुल वही तरीके का है। बस इसमें थोड़े इन्ग्रीडियंट्स मैंने डाल दिए और सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट हिसाब से डालें। यहाँ पे अब वाइट सॉस हम डाल रहे हैं, मतलब वाइट सॉस बना रहे हैं। तो वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने 1 कप ली है योगर्ट दही, और 1 कप मैंने लिया है यहाँ पे मेयोनीज़, और 1 लेमन, और ये जो है ब्लैक पेपर और सॉल्ट और पार्सले। पार्सले अगर ना हो मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया। पार्सले ना हो तो बिल्कुल चॉप कटा हुआ फ्रेश धनिया आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर किसी को गार्लिक का फ्लेवर बहुत पसंद है तो 1 गार्लिक का क्लोव, जो 1 गार्लिक लहसुन का जौ होता है, वो आप डाल सकते हैं पीस कर या क्रश करके, जैसे भी आपको पसंद है। और यहाँ पर मैंने विस्क से इसको मिक्स कर दिया, तो ये रेडी है। अच्छा, अब असेंबलेशन का टाइम आता है। चावल मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके थे, चावल डालते हैं, चिकन डालते हैं, उसके बाद मैंने कुछ फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई कर दिए थे बच्चों के लिए, तो वो भी साइड पे रख दिए। सैलड के लिए मैंने यहाँ पे कुकम्बर, टोमेटोज और लेटस, या फिर बंद गोभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटस हर जगह पर मिलता नहीं है तो इसलिए जो है बंद गोभी डाल दें। और ये वाइट सॉस, रेड सॉस, और ये रहा फाइनल टच, और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार था ये। बतूल बताइए कैसा है? लाजवाब है। लाजवाब है? आपको पसंद आया?
बहुत यमी बना था, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।